हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडी टैक्सेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पहले ही देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी वन की नील रिटर्न को कैसे फाइल करना है, वो भी सिर्फ 1 से 2 मिनट्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जीएसटी वन की नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट लास्ट तक देखिए ताकि आप अपनी जीएसटी वन खुद से फाइल कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, जीएसटी के पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं जीएसटी वन की नील रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, gst.gov.in। इसी वेबसाइट से हम जीएसटी की निल रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR1 निल रिटर्न। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर करेंगे। यूजर नेम के बाद यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमारा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद अगर इस टाइप का कोई मैसेज आता है आपके पास, ये बेसिकली आधार वेरिफिकेशन के लिए होता है। अगर आप आधार वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रिमाइंड मी लेटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको फाइनेंशियल सिलेक्ट करना है। जैसे भी फाइनेंशियल 2022 से ही चल रहा है, यहाँ से क्वार्टर, अभी हमें जुलाई की नील रिटर्न भरनी है तो क्वार्टर सेकेंड है हमारा, जुलाई से सितंबर तक। अब इसके अंदर हमें अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, जिस मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ से हमने जुलाई सिलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे रिटर्न्स ओपन हो जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं GSTR1, GSTR2A, GSTR2B एंड GSTR3B। तो अभी हमें GSTR1 की नील रिटर्न भरनी है। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखना, GSTR1 की नील रिटर्न उसी केस में फाइल करी जाती है अगर आपकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ना ही आपकी सेल्स रिटर्न है, यानी ना तो आपने सेल करी है ना आपने सेल रिटर्न आपको रिसीव हुई है, यानी सेल्स से रिलेटेड आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो उसी केस में आपको नील की GSTR1 रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अभी फाइल करने के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक किया, हमारे सामने ये विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर, यहाँ पे लीगल नेम, यहाँ पे ट्रेड नेम और यहाँ पे फाइनेंशियल शो कर रहा है और यहाँ पे टैक्स पीरियड जिसके लिए हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और यहाँ पे स्टेटस, हमारी रिटर्न का स्टेटस अभी नोट फाइल है, अब क्योंकि अभी हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है, यहाँ पे इसकी ड्यू डेट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ नीचे कुछ टेबल्स भी शो करते हैं, पर इस टेबल्स का अभी हमें कोई भी यूज नहीं करना है क्योंकि हम नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर ऑप्शन दे रखा है आपको, फाइल नील GSTR1, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पर टिक करते ही वो सारे टेबल्स यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड पे लास्ट में, फाइल स्टेटमेंट। इस फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे, आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में यहाँ डिक्लेरेशन दे रखी है, इसको यहाँ पे यहाँ से टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ नोट करना, यहाँ पे स्टेटस आपका रेडी टू फाइल हो चुका है, यानी आपने रिटर्न प्रिपेयर कर दिया, बस अब आपको ईबीसी से सबमिट करनी है, यानी ओटीपी से सबमिट करनी है। अब यहाँ पे अथोराइज सिग्नेचरी दिखा रहा है, यहाँ पे जो आपकी कंपनी के प्रोप्राइटर या ओनर है उनका नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक फाइल विद DSC, एक फाइल विद ईबीसी। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो DSC वाला ऑप्शन यूज करेंगे, अदरवाइज ईबीसी वाला। तो हमें ओटीपी से फाइल करनी है तो हम ईबीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ईबीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे लिखा है एंटर वन टाइम पासवर्ड, यानी ओटीपी। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मेल पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर, दोनों पर सेंड होता है, तो कोई भी आप एक ओटीपी लेके मोबाइल वाला या ईमेल वाला यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो हम अपनी मेल पर चेक करते हैं अभी। जैसा कि हमारी मेल पर एक मेल आया हुआ है, इसके अंदर एक ओटीपी आया है, इस ओटीपी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम अपना ओटीपी एंटर कर देंगे और ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ से वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आपने वेरीफाई पर क्लिक किया, आपके सामने एक मैसेज आ गया ऊपर, GSTR1 ऑफ GST, आपका GST नंबर फॉर द रिटर्न पीरियड जुलाई 2022-23 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल, यानी कि जो आपकी रिटर्न थी जुलाई की 2022-23 में जुलाई की, वो फाइल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको अपनी GSTR1 की रिटर्न को फाइल करना है। अगर नील रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप ऐसे करेंगे।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप भी अपनी नील जीएसटीआर वन फाइल करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस से अपनी जीएसटीआर वन को इजीली फाइल कर सकते हैं।